सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले महिला सुपरवाइजर के एग्जाम प्रिपरेशन, आप जो है कौन सी बुक से करें। ठीक है, तो जैसे कि हमने आप सबको बताया कि हमारा खुद का बुक आ रहा है सक्सेस की पब्लिशर से, जिसमें आपको थ्योरी के साथ में MCQ मिलेंगे। और ये पहली बार रहेगा MP के इतिहास में कि थ्योरी जो है उसके साथ में आपको MCQ मिलने वाले। बाकी जो भी भर्तियाँ लास्ट टाइम पर हुई है उन सभी में जो है आपको थ्योरी दी गई है। लास्ट जो है बिल्कुल लास्ट में आपके 100-150-200 क्वेश्चन जो है MCQs के प्रोवाइड करवाए गए। मतलब प्रॉपर जो है आपके थ्योरी के साथ में MCQs नहीं दिए गए हैं। और पहली बार हम आपके लिए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी प्लस MCQs एंड प्रीवियस पेपर के PYQ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है बुक में दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस के कुछ टॉपिक है जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है पोषण, ठीक है। तो पोषण में आपके दे रखा है संतुलित आहार दे रखा है, माइक्रो एंड न्यूट्रेंट, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म जीव, खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां रोकथाम। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आपको थ्योरी मिलेगी और उसके MCQs मिलेंगे। सेकेंड नंबर पर जो टॉपिक दे रखा है आपके यहाँ पर जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, जैसे कि किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, धात्री माताओं के लिए, नवजात के लिए, शिशु के लिए और बाल्यावस्था में एवं वयस्क के लिए। तीसरा टॉपिक जो है वह है गर्भवती की देखभाल, चौथा है टीकाकरण और पाँचवा है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, सिक्स में है कुपोषण, सेवन में सामान्य बीमारियाँ। तो दोस्तों ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन इसको दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बुक का जो है पैटर्न अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी किस टाइप की मिलने वाली है, आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, ठीक है, इसीलिए जो है मैं ये वीडियो ले कर रहा हूँ। सेवन नंबर का टॉपिक है सामान्य बीमारियों की जानकारी, जिसमें आपके दस्त दे रखा है, उल्टी दे रखा है, आँखों एवं नाल का संक्रमण दे रखा है, कसरा दे रखा है, गलगोट दे रखा है, टिटनेस दे रखा है, काली खांसी दे रखा है, TB दे रखी है, निमोनिया दे रखी है। तो टोटल जो है इसमें कितनी बीमारियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डिजीज इन्होंने दे रखी है। हो सकता है न्यू सिलेबस और न्यू वैकेंसी आ रहा है तो 2-5 डिजीज और एक्सट्राइड हो जाएं। तो हम आपके लिए जो है ये डिजीज तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके अलावा जो है संक्रामक जितनी भी बीमारियां वो हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अगर मान लीजिए 2-5, 10 डिजीज और एक्स्ट्रा एडेड भी हो जाएगी आपके सिलेबस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, हम एडवांस में दे रहे हैं, बाकी ये तो आपको मिल ही रही, इसके अलावा और हम आपके लिए जो है एडवांस में दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर चलते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कि पोषण दे रखा है। ठीक है, तो पोषण में जो है आपके जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, आयोडीन, ठीक है, जिंक, सल्फेट, कैल्शियम वगैरह, ये सब तो जो है आपको पोषण में पढ़ना ही है। अब इनकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो भी जो है आपको एडवांस में पढ़ने को मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जैसे कि किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, शिशु या बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, तो इन सब में जो है पोषण के लिए जो है कौन कौन सी डाइट आप लोगों को लेनी चाहिए, किस किस चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है, वो भी जो है आपको मिलेगा। ठीक है, टीकाकरण, टीकाकरण में चाहूँ तो आपको जो है एक ही पेज पे भी ख़त्म कर सकता हूँ और इसी टीकाकरण को जो है मैं 10 पेज पे भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि टीकाकरण बहुत ही शॉर्ट एंड शूट में अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बैठा रहेगा, क्योंकि फालतू चीज़ पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर पाँचवें नंबर पर जो दे रखा है वह है आपके यहाँ पर स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, NRHM के अंतर्गत और ICDs के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत ही शूट एंड शॉर्ट में जो है हम आपके लिए जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है, और समझ भी लेंगे। सिक्स नंबर पर जो है वो है आपके यहाँ पर कुपोषण। ठीक है, कुपोषण का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, और इनकी कमी से जो है बॉडी में जो है एक आदमी को जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन की आवश्यकता है, उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कुपोषण की शिकायत हो जाती है। तो इन सब की पूर्ति के लिए जो है एक पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन जो है प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत होती है ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो ये सारे टॉपिक जो है कुपोषण आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब द्वितीय खंड में आपके क्या दे रखा है, द्वितीय खंड में आपके यहाँ पर दे रखा है जैसे सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, जैसे मैं स्टार्टिंग से बस रहा हूँ, बार बार क्या बोल रहा हूँ। ठीक है,
स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, ठीक है, पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, ठीक है। तो यह भी आपको जो है अपनी बुक में मिल जाएगा। और नियम अधिनियम, जैसे कि बच्चों के कानूनी अधिकार से संबंधित नियम, ठीक है, शिक्षा से अधिकार से नियम, महिलाओं के कानूनी अधिकार से नियम, ठीक है, और यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये दे रखा है आपके यहाँ पर शारीरिक संरचना, ठीक है, शरीर की या शरीर क्रिया विज्ञान के लिए या शरीर रचना विज्ञान के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोर विकास, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है डिटेल मिलने वाले हैं, ठीक है। और फोर्थ में दे रखा है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ठीक है, और गणित और तर्कशक्ति दे रखी है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर खंड टू कंप्लीट हो जाता है। तृतीय खंड में ये दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये तृतीय खंड है और ये फोर्थ खंड है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है दिखा देता हूँ थ्योरी वाली क्लासेज, ठीक है, और वही जो है हम आपके लिए बुक में रेडी करवाएं, और ये थ्योरी की जो चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है, ये है हमारी हेल्थ इंस्पेक्टर बुक है, ठीक है। हेल्थ इंस्पेक्टर बुक हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, तो उसी की जो है मैं आपको थ्योरी दिखा रहा हूँ, और वही जो है आपके महिला सुपरवाइजर की बुक में भी दी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राथमिक उपचार टॉपिक, ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर डिटेल में कौन सा टॉपिक, प्राथमिक उपचार, ठीक है, कौन सा टॉपिक है, यह है आपके यहाँ पर प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार के बारे में आप जो है किस किस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें बात होगी दुर्घटना की, ठीक है, दुर्घटना में जैसे कि आपको फर्स्ट एड क्या क्या देना है, ठीक है, कब कभी बेहोशी, मतली, प्यास, दर्द आदि जैसे लक्षणों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, और पीलापन, रक्त शकुंतला, सूजन या आदि के लक्षणों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार करने वाले निम्न महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, जैसे कि सहायता मांगने पर वह तुरंत सहायता पहुंचाएं, मरीज को वह शांतिपूर्वक या सुव्यवस्थित ढंग से सहायता करें, और उसे प्रत्येक चोट और जान के लिए खतरा हो सकने वाले हालात का उपचार करना चाहिए। यदि प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसे उपलब्ध सामग्री का तत्काल इस्तेमाल करके स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप ये जो है प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार के स्वर्णिम नियम कौन कौन से, वो यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर किस प्रकार से क्या हो सकता है और उसको जो है किस प्रकार से आप जो है प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। रक्त स्त्राव समेत हुए घाव के मामले में प्राथमिक उपचार आप किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्यक्ष दबाव या रक्त स्त्राव के नियंत्रण हेतु प्रक्रिया कौन कौन सी अपनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। और यहाँ पर सीने की भित्ति पर के घावों के मामले में प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, अंदरूनी रक्तस्राव के मामले में प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल में जो है आपके यहाँ पर ये प्राथमिक उपचार दे रखा है, ठीक है। नाक से रक्तस्राव होंगे तो आप किस प्रकार से जो है प्राथमिक उपचार करेंगे, ठीक है। कान से रक्तस्राव होने पर किस प्रकार से आप जो है प्राथमिक उपचार करेंगे, शिराओं में रक्तस्राव होने पर आप किस प्रकार से जो है प्राथमिक उपचार करेंगे, तो ये डिटेल में है। क्रोच होने पर, सदमा आने पर, ठीक है, और यहाँ पर है सदमे का आम इलाज किस प्रकार से, सांस अवरोध होने पर किस प्रकार से करेंगे आप प्राथमिक उपचार, ठीक है, कारण क्या है सांस अवरोध के संकेत में लक्षण क्या है, ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इसमें जो है प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा, जैसे कि ये यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, अगर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो, ठीक है। सांस अवरोध के इलाज के आम नियम कौन कौन से वो भी यहाँ पर बताए गए हैं, और बिजली से चोट पहुंचने पर किस प्रकार से जो है आप प्राथमिक उपचार करेंगे, अस्थिभंग के संकेत तथा लक्षण, हड्डी टूटी है यानी टूटी उसके संकेत या लक्षण के बारे में यहाँ पर बताया, अस्थिभंग का इलाज आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, और खोपड़ी का अस्थिभंग होने पर आप किस प्रकार से जो है प्राथमिक उपचार करेंगे, नीचे के जबड़े के अस्थिभंग होने पर उसका संकेत और लक्षण क्या है, इलाज किस प्रकार से करना है, मेरुदंड को पहुंची चोट के मामले में इलाज, बैंडेज कितने प्रकार के होती है, ठीक है, पट्टियाँ जो आप प्राथमिक उपचार में जो है काम में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी पट्टी है, किस प्रकार से जो है आप इनको यूज ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से जो है आप प्राथमिक उपचार करते टाइम जो है यूज में ले सकते हैं, देखिए हाथ में ली हुई है, ठीक है। तिकोने बैंडेज का मुख्य रूप से उपयोग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है,
ये जो है आपको सुव्यवस्थित तरीके से जो है महिला सुपरवाइजर की बुक में ये टॉपिक मिलेगा, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ हमारी हेल्थ इंस्पेक्टर की बुक के थ्योरी, ठीक है। नब्ज किस प्रकार से गिन सकते हैं, नब्ज निम्न कारणों से बढ़ती है, कौन कौन से कारण हैं, मुंह से सांस देकर पुनर्जीवन कैसे दिया जाए, कृत्रिम श्वसन कैसे देते हैं, नवजात शिशु को कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको फर्स्ट एड में बताया जाएगा, ठीक है। और प्राथमिक उपचार में जो है आपके कौन कौन से साधन जो है यूज में लिए जाते हैं वो यहाँ पर ये टेबल में दिखाया हुआ है, ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपके दे रखा है कसरा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपके महिला सुपरवाइजर के में, वो दे रखा है कसरा, ठीक है, मीजल्स जिसको अपन बोलते हैं। तो ये इसका इतिहास, ठीक है, समस्या का विवरण दे रखा है, रोग विज्ञान तथा जन्य कारक, मतलब कौन 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 से कारक है जिससे कसरा होता है, ठीक है। तो इसके एजेंट का नाम है जैसे कि आरएनए पैरामिक्सो वायरस, इससे जो है कसरा होता है। तो ये इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हमने आपके लिए जो है महिला सुपरवाइजर में ऐड कर दिए, बाकी की जो चीज़ें हैं हमने आपके हटा दिए, जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठते हैं, ठीक है। औष्ठ कारक कौन कौन से, मतलब कितनी उम्र तक के व्यक्तियों में जो है ये हो सकता है, प्रतिरोधन शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। पर्यावरण कारक कौन कौन से, गतवान अवधि कितनी है इसकी, वो सारी चीज़ बताई गई। विस्फोट अवस्था कौन सी है, रोग निदान, जटिलताएँ, उपचार, कसरा का टीकाकरण, उपचार हेतु निषिद्ध व्यवस्थाएं, और फिर नेक्स्ट है रूबेला या जर्मन मीजल्स, ठीक है। ये कसरा से ही मिलता जुलता टॉपिक है, इस वजह से ये भी जो है हमने आपके लिए बुक में दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके कुकर कांसी, कुकर कांसी भी जो है आपके टॉपिक में दिया है, जिसको अपन बोलते हैं हुपिंग कप या काली कांसी। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, हुपिंग कप जो है किस डिजीज का नाम है, ठीक है। इसको पर्टिटस भी बोलते हैं, काली कांसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में हमने आपके लिए जो है इस प्रकार से आपको थ्योरी मिलेगी पढ़ने में, ठीक है। और थ्योरी के जस्ट साथ में जो है आपको एमसीक्यूज मिलेंगे पढ़ने में, ठीक है। और श्वसन से संबंधित तीव्र संक्रमण, ठीक है, तो ARI संक्रमण जिसमें आपके निमोनिया इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। निमोनिया आपके टॉपिक में दिया हुआ है, निमोनिया के इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं आप, निमोनिया के बचाव के लिए कौन कौन से उपाय है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा दे रखा है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस का परिचय आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। और टीबी जो है किससे होती है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। भारत में टीबी का इतिहास बताया गया है, संक्रमण के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रसारण माध्यम क्या है टीबी के, उद्भवन अवधि कितनी क्या है इसकी, और तपेदिक की विरोध प्रतिरोधन शक्ति जो है किस प्रकार से आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो है जांचें की जाती हैं, तो इस प्रकार से आपको ये थ्योरी मिलने वाली है टीबी टॉपिक की भी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है जो दी जाती है, यहाँ से फिर आपके हो जाता है अतिसार रोग, ठीक है, तीव्र अतिसार रोग जी, ये आ जाता है अपने दस्त में, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी उद्भवन अवधि वगैरह, एजेंट कारक क्या है, ठीक है, होस्ट कौन कौन से हैं, रोग प्रबंध आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और रोकथाम और नियंत्रण। फिर नेक्स्ट आएगा आपका टिटनास, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं धनुर्वात, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टिटनास और वैसे बोलते हैं इसको धनुर्वात। तो सारे ही टॉपिक आपको मिलने वाले दोस्तों, और ऐसे जो ये टॉपिक जो मैं आपको अपनी बुक में मिलेंगे और किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले। और थ्योरी तो XYZ कोई भी दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, तो वो आपको एकमात्र हमारी बुक में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो अभी डेमो है, ठीक है, और कंप्लीट बुक तो जो है आपको वैकेंसी जाने पर ही मिलेगा। ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक ट्रेकोमा, जो आंखों का संक्रमण कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका परिचय दे रखा, निदान दे रखा है, समस्या विवरण दे रखा है, एजेंट क्या है जिससे ये बीमारी होती है, ठीक है, पर्यावरण कारक कौन कौन से हैं, प्रसारण माध्यम क्या है, ट्रेकोमा पर नियंत्रण किस प्रकार से पाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जिसको अपन बोलते हैं गलगोटू,
ठीक है, या गलगोट जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, इसका एजेंट कारक संक्रमण अवधि, होस्ट, पर्यावरण, माध्यम, उद्भवन अवधि, ठीक है। तो ये सब जो है हम आपके लिए सुव्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और ये तो जो है मैं आपको ओरिजिनल बुक्स बता रहा हूँ हमारी हेल्थ इंस्पेक्टर वाली, उसी में से हमने ये टॉपिक लिए हैं आपके लिए महिला सुपरवाइज़र में भी। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार का, जो भी गर्ल्स हेल्थ इंस्पेक्टर का कोर्स की हुई है, ठीक है, और जिन्होंने अभी MP में तैयारी करी, तो वो महिला सुपरवाइज़र की ज़रूर फॉर्म लगाएं, क्योंकि आपके 50% कोर्स जो है हेल्थ इंस्पेक्टर से ही मिलता जुलता है, ठीक है। अब ये है आपका संक्रामक बीमारियों का मर्ग विज्ञान, ठीक है। तो ये इसमें आपके जितनी भी संक्रामक बीमारी वो सब दे दिए हमने, मतलब जो आपके सिलेबस में वो तो दे ही दिए, उसके अलावा जो डिजीज है संक्रामक सारी वो सब भी हमने इंक्लूड की है, क्योंकि देखो नई वैकेंसी आ रही, नई सीरीज आ रही, ठीक है। तो कुछ सिलेबस ऊपर नीचे भी होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिजीज जैसे 10 दे रखी है पहले, तो 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो आपके जो है हम पूरी ही डिजीज संक्रामक बीमारियाँ जितनी भी है सारी हम आपके लिए जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है ये थ्योरी रहेगी, ठीक है, पढ़ने में आपके आसानी रहेगी। और इसके जस्ट बाद में जो है आपको MCQs मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधित सेनेट इंस्पेक्टर के नाम से जो है ये हमारी बुक है, ठीक है। इसी में से जो है हमने आपके लिए मैटर कलेक्ट किया है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर भी ये MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार जो है मैं टाइपिंग वाला मैटर भी दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार से आपको ये MCQs मिलने वाला है सारे के सारे। तो टाइपिंग वाला मैटर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं हमारा ये टाइपिंग वाला मैटर जो हमने महिला सुपरवाइजर के लिए रेडी करा है, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, इस प्रकार से आपको मिलने वाली थ्योरी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में जो है आपको फिर मिलेगी क्या, इनके MCQs। तो यहाँ से ये आपके देख सकते हैं MCQs स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये इनके आंसर दिए हुए हैं सबके। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रजनन तंत्र, जैसे कि आपके महिला सुपरवाइजर ने दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, स्वास्थ्य निरीक्षक मलेरिया निरीक्षक ये, ठीक है। तो ये उसी बुक में से लिए हुए हैं, इसलिए आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर सेट नहीं हुई बुक, वो करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रजनन तंत्र में आपको इस प्रकार से थ्योरी मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई, फालतू चीज़ें हमने हटा दी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से देख लीजिए आप थ्योरी, मादा जनन तंत्र, मादा के बाह्य जनन अंग, ठीक है, शिशु जन्म कैसे होता है। और यहाँ से आपके फिर स्टार्ट हो जाते हैं MCQs, वस्तुनिष्ठ पर्सन, और ये इनके आंसर दिए हैं जस्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, फिर आपके आ जाएगी अंतर स्त्रावी तंत्र बोल रहे या अंतर स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी ये थ्योरी रहेगी, ये सारी थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो थ्योरी के जस्ट बाद में जो है आपको मिलने वाला है MCQs, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई ये MCQs, ठीक है, इनके ये आंसर दिए हैं ये MCQs, ठीक है। फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छी है कि हमने एक पेज में ज़्यादा मैटर आपके लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। आप फॉर्मेटिंग देख रहे होंगे दोनों साइड, मतलब पेज को जो है दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन आंसर की, पेपर की फॉर्मेटिंग है हमारी टाइपिंग की। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पाचन तंत्र, ठीक है। ये पाचन तंत्र की जो है आपकी थ्योरी रहेगी इस प्रकार से, और इस थ्योरी के बाद में आपको ये मिलेंगे फिर यहाँ से MCQs, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पोर्शन न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के जस्ट बाद में फिर आपको मिलेंगे MCQs, ठीक है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब हमने आपके लिए जो है यहाँ पर दिए हुए हैं पोर्शन टॉपिक में। इनकी कमी से अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं वो सब दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके MCQs, ये आपके MCQs, ये इनके आंसर दिए हैं,
ये सारे एमसीक्यूज है आपके, देख सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक आम्ल एक प्रकार का है, साइनोकोबालामाइन है, विटामिन B9 की कमी से पुरुष में होता है, ठीक है। विटामिन सी की अधिकता अधिक उपलब्ध होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए हैं, ठीक है, सारी थ्योरी। तो डेमो आप समझ ही होंगे कि डेमो इतना अच्छा था बुक को और भी कितना अच्छा रहेगा। मेहनत अभी जारी है, हम वेट कर रहे हैं सिर्फ नोटिफिकेशन आउट होने का। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा बुक हम आपके लिए मार्केट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।